तेरे आँखों की जुस्तजू तुम हो, इल्तिजा तुम हो, आरज़ू तुम हो। मैं किसी और को तो क्या जानूं, मेरी उल्फत की आबरू तुम हो। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनारा, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनारा, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आवाज इंडिया टीवी पर। ये जो खूबसूरत नगमा इस वक्त आपने सुना, ऐसे ही खूबसूरत नगमों से भरी हुई पूरी एक शाम होगी 30 जुलाई 2016 को नागपुर में मोहम्मद रफी जी के ऐसे ही गीतों से भरी हुई एक खूबसूरत सी शाम, जो आपकी शाम को और भी बेहतर बना देगी। बड़ी खुशी महसूस हो रही है इस वक्त मुझे ये बताने के लिए कि हमारे साथ राजेश ढाबरे जी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें आप सभी जानते ही हैं। ये एक IAS ऑफिसर है, एडिशनल कस्टम कमिश्नर है और साथ ही एक उम्दा कलाकार, एक गायक भी है, जिनके एल्बम्स जो लॉन्च हुए आपने वो भी देखे होंगे। और खास बात यह है कि रूहे रफी इस कार्यक्रम में सर गीत गाने वाले हैं, कई सारे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर मैं पूछना चाहूंगी आपसे, तो इसके बिहाइंड क्या मोटो है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मैं आवाज़ इंडिया टीवी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम में वो एज अ चैनल पार्टनर आए हैं, मीडिया पार्टनर का क्या है। ये ऐसा एक शो है जो हमारी एक संस्था थी अभिनव कला निकेतन, जो बाबा साहब और बुद्ध और समाज सुधारकों के विचारों को लेकर, समाज में समता बंधुता न्याय के विचारों को लेकर काफ़ी सारे प्लेज हम लोग करते थे। 1979 से 94 तक काफ़ी एक्टिव ये संस्था रही है। आप भी पार्ट रहे हैं? मैं रहा हूँ उसका पार्ट। मैं इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे संस्थाओं की थोड़ी कमी हो गई है इस आंदोलन में, हम मराठी में उसको दलित नाट्य चळवळ कहते हैं। तो हमने इस वक्त सोचा है, हमारे अध्यक्ष है दादा कांतन विजय और विलास पाटिल सचिव, केवल जीवंतारे अनुपमा नगरकर, ये सब लोग जो उसके उस वक्त पार्ट थे आज भी है। लेकिन आज इस संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हमने एक विचार किया है और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए या उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी या मॉरल सपोर्ट करने के लिए भी एक माहौल बने जी। और जुलाई एंड जो होता है वो मोहम्मद रफी साहब का बरसी होती है 31 जुलाई, उस वक्त सब लोग उनके गाने सुनने के लिए बेताब रहते हैं। तो हमने सोचा कि ये अच्छा मौका है और मुझे आदेश दिया गया है कि आप उसमें कुछ परफॉर्म करें। ऐसा मुझे लगता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये अभिनव कला निकेतन का एक रेनेसांस पीरियड आएगा, फिर एक बार नए सिरे से शुरुआत होगी। मैं चाहूंगी कि और एक गीत हम यहाँ पर आपसे सुन सके और उसके बाद आगे की बात करें। मोहम्मद रफी के गाने गाने का जो मज़ा है वो मज़ा अपनी जगह और टेंशन अपनी जगह रहती है, लेकिन मैं कोशिश करने वाला हूँ क्योंकि मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि मैं कुछ परफॉर्म करूँ। चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवें का चांद हो
जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार के तुम वो शराब हो, चौदहवें का चांद हो। सर बड़े खूबसूरत होते हैं मोहम्मद रफी जी के गीत, और वो सुनने के बाद मन उसमें डूब सा जाता है, और संगीत की तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन सर एक आईएएस ऑफिसर और संगीत, ये कॉम्बिनेशन कुछ अलग लगता है जो सुना नहीं हो, देखा नहीं हो। आपको संगीत में रुचि कैसे आई? क्या आपने पहले से सोचा था कि मुझे इस फील्ड में जाना है म्यूजिक के, या आपने सोचा था कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है? आप जानते हैं जो पारिवारिक परिस्थिति होती है उसमें ज़्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो पढ़ाई को दी जाती है। आप में भले ही बड़े ही गुण हो, लेकिन माता पिता कहते हैं कि आप पढ़ाई कीजिए पहले, ये सब गाना बजाना बाद में। तो मेरी इस कला को शायद किसी ने समझा नहीं उस वक्त भी, और चूंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैंने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड क्रैक दैट आईएएस एग्ज़ाम। कला जो है ये आपको बहुत काम में आती है आगे चलकर, एक तो पर्सनल फ्रंट पर भी बड़ी काम में आती है, स्ट्रेस रिलीवर होता है, और उसके ज़रिए अगर आप लोगों का मन बहला पाते हो, उसका उपयोग अगर सामाजिक कुछ अधिकारों के उत्थान के लिए या लड़ाई आंदोलन के लिए कर पाते हो, या मनोरंजन के लिए कर पाते हो, किसी भी तरह से कर पाते हो, तो ये अपने आप में एक उस कला की सेवा भी होती है। इसको मैंने परसू करके रखा है इस वक्त तक, तो आई एम एबल टू सिंग समथिंग। ओके, यानी इंसान प्रोफेशनली कुछ भी हो, एक औहदे पर भी पहुंच जाए, लेकिन कला छूटती नहीं है। और अगर बात हो मोहम्मद रफ़ी जी के गीतों की, तो उसको छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। सर मोहम्मद रफ़ी जी की उस दिन बरसी है 30 जुलाई को, इसलिए सिलसिला मोहम्मद रफ़ी के गीतों का उस दिन शुरू होने वाला है। मैं चाहूँगी कि आप हमें और बताएं मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में और उस दिन का महत्व। मोहम्मद रफ़ी जी की खास बात यह है कि एज अ पर्सन ऑल्सो ही वॉज अ वेरी डिवाइन, वेरी नोबल काइंड ऑफ पर्सन, और इसलिए उनकी आवाज़ में जो एक रूहानियत है, जो सादगी है, जो ऑनेस्टी है, वो आज भी इतनी इस तरह से बरकरार हैं कि लोग रफ़ी जी की आवाज़ में गाए हुए गानों को सुनते हैं। 31 जुलाई बेसिकली उनकी बरसी है, 30 जुलाई को जस्ट ईव ऑफ हिज एनिवर्सरी हम लोग कर रहे हैं। उनके गानों में जो शायरी यूज़ की गई है उन दिनों की, शहर दहनवी और मजनू सुल्तानपुरी, अनजान जी के गाने, और उस वक्त रवि और नौशाद जी, ओपी नैयर और मदन मोहन जी के रचे हुए गीत है, तो ये ऐसे ऑल टाइम हिट जिसको कह सकते हैं दिग्गजों के गीत। हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हुए गाने भारत के फिल्म इंडस्ट्री में एक संस्कृति की तरह है, ऐसा हम मानते हैं, एटलीस्ट मैं मानता हूँ, और इसीलिए कार्यक्रम का नाम भी है रूह रफ़ी। जी सर, और एक ऐसे ही रूहानियत वाला गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, बहुत खूब सर, इतने ही खूबसूरत गीतों के साथ आपकी भी एक शाम बन जाएगी, और इसका मोटो एक सोशल कॉज है, तो ज़रूर पूरी तरह से मैं कहूँगी आपको कि पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि इसका एक हिस्सा आप भी बने। बिल्कुल, मैं सर आपसे भी दरख्वास्त करूँगी कि एक अपील आप हमारे दर्शकों के समक्ष रखें कि ज़रूर वो क्यों जुड़े इस मोटो के साथ। ये संस्था हो या फैमिली हो, हर एक की जिम्मेदारी है कि वी शुड गो बैक टू यूर ओरिजिनल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्राई टू डू समथिंग। इसी तरह से समाज आगे बढ़ता है, ये प्रोग्राम उसी का एक प्रतीक है। इस प्रोग्राम के जरिए उस संस्था को आपका सहारा मिले, इसलिए हम भी आपके लिए एक एंटरटेनमेंट शो रूह रफ़ी मोहम्मद रफ़ी जी के सदाबहार गीत है उनको गाएंगे आपके सामने। और मेरी अपील है, आह्वान है, निवेदन है, आमंत्रण है सबको कि आप जरूर आइए और इसका हिस्सा बनिए। आवाज इंडिया की तरफ से फिर एक बार आप सभी से अपील करूंगी कि नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं
और अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर साथ निभाइएगा, ऐसी ही अपेक्षाएं ऐसी आशाएं आपसे करते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही।